वेलकम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपने हेयर्स को लेके। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, मेरे थिन हेयर्स हैं, और जब ये गिरने शुरू हुए, मुझे हेयर फॉल हुआ, तो मेरी स्किन नज़र आने लग गई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया। ऑब्वियसली जब आपकी स्किन नज़र आने लगती है, आपके बाल इस हद तक गिरते हैं कि आपका स्कैल्प नज़र आने लगे, तो आपका कॉन्फिडेंस तो गिरता ही है। तो मैं जब पाकिस्तान गई हूँ अप्रैल में, वहाँ मैं गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। यहाँ पे मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, हार्मोन्स टेस्ट करवाया था, वो सब ठीक थे, लेकिन मैं यहाँ किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं गई क्योंकि वो प्राइवेट है और प्राइवेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मुझे पाकिस्तान तो जाना ही था। तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, और लकीली मेरी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो मेरी नेबर भी हैं, जिसकी वजह से मुझे स्पेशल कंसेशन भी मिला और मुझे उन्होंने बहुत हेल्दी टाइम दिया और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया। उसी तरह मैं आपको भी गाइड करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो उन्होंने किया मेरा PRP। अब PRP क्या है? ये हमारे ही ब्लड से प्लाज्मा लेते हैं, जिसको हमारी स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये बहुत बारीक सी नीडल होती है। अगर आपको ये लगता है कि ये किस तरह से लोग करवा लेते हैं, हमें तो बहुत पेन होगा, या हमें नीडल से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलीव में पता भी नहीं चलता कि किस तरह से इंजेक्ट हो गया ना, इतनी बारीक सी नीडल होती है। तो PRP के बाद उन्होंने मुझे जो सारी रेजीम दी, जो मैंने फॉलो की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं गिरते, न्यू ग्रो भी हुए हैं, मेरे बालों की ग्रोथ हुई है, न्यू हेयर्स आए हैं, बेबी हेयर्स। तो मेरी जो स्किन नज़र आती थी वो अब शुक्र है अल्लाह का कि वो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो अब नहीं नज़र आती, और मैं बड़ी हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। और मुझे सडन याद आया कि मैं व्लॉग तो बना रही हूँ, तो क्यों ना मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करूँ। तो जी, ये सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया स्प्रे रीग्रो, इसकी कंपनी का नाम है, और मिनोक्सिडिल इसका सॉल्ट है। ये आप कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो मिनोक्सिडिल 2% से उन्होंने मुझे ये स्टार्ट करवाया। ये कुछ इस तरह से है, इसके साथ ये पंप है, ये स्प्रे पंप, इसको 2 times आधे यूज़ करना है आपने। 7 pumps सुबह यूज़ करनी है, 7 pumps इसके शाम को यूज़ करने हैं। तो अपने बाल खोल के, उनकी बालों को की मांग निकाल के, उसके अंदर आपने स्किन पे डायरेक्ट ये स्प्रे करना है। और बी केयरफुल, यह ख्याल रहे कि जब आपने स्प्रे किया है तो 1 hour तक आपके बालों में पसीना ना आए, आपके बाल गीले ना हो, आपने शॉवर नहीं लेना। तो बस ये एहतियात है इसकी कि जब आपने स्प्रे किया है तो उसके 1 hour तक, 1 hour तक आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये स्प्रे है, और उसके साथ जब तक आप सप्लीमेंट फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अंदर से जो स्किन है और जो आपका हेयर ग्रोथ होनी है, जो आपके हेयर आपकी स्किन में से आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको मजबूत करने हैं ना, ऐसे तो नहीं कि बस एक दफ़ा बाल आ गए और उसके बाद गिर गए, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट ज़रूर फॉलो करनी है। तो ये उन्होंने मुझे दी थी यूथ्रिक्स, ये मैंने 3 months ली है, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा गिर रहे थे, तो मैं एक सुबह ले रही थी और एक शाम को ले रही थी। प्लस उसके साथ है रिवाइवोडर्म, ये भी बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट है, हेल्दी स्किन, नेल्स एंड हेयर, इसके अंदर बायोटीन है, और बायोटीन तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। और साथ उन्होंने मुझे दिया है ये शैम्पू आनाग्रो, इसका मुझे कहीं पर कोई सॉल्ट नहीं नज़र आ रहा। ये है एंटी हेयर लॉस, थीकर एंड फिलर हेयर के लिए, इन जस्ट 3 months। तो ये मैंने यूज़ किया है। नॉर्मली मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ एलविटाल का, लॉरियल का, मुझे वो शैम्पू बहुत पसंद है, मुझे उसके बाद कंडीशनर नहीं करने पड़ते बाल। लेकिन ये शैम्पू, मुझे डर था कि ये शैम्पू यूज़ करूँगी तो पता नहीं मेरे बाल रफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बाल बहुत अच्छे रहे। हाँ, एक और बात उन्होंने जो मुझे कही थी कि हो सकता है जब आप ये शैम्पू और ये रेजिम फॉलो करें तो चंद दिन आपको ऐसा लगे, कुछ टाइम आपको ऐसा लगे कि आपके बाल एकदम से ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उससे आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और
आपने अपनी ये रेजीम को कंटिन्यू रखना है। तो ऐसा ही मैंने किया, मुझे तो उन पर बहुत ट्रस्ट था, इसलिए मैंने जो उन्होंने मुझे कहा वैसे ही मैंने उनको फॉलो किया। अब चूंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसको करें अगर आपको इस तरह की परेशानी है, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, अगर मुझे हुआ है तो आपको भी होगा। और एक ये है बायोटिन जो मैं लेती हूँ डेली, ये मैंने अमेजोन से ली थी, इसमें है 1200। तो ये है मेरी हेयर की केयर, तो इंशाल्लाह आप भी इसको फॉलो करें, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। खुदा हाफिज़।